हाय फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एपिसोड वीडियो फिल्मी अपडेट नंबर 1 वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला अपडेट है रजनीकांत की अपकमिंग जेलर फिल्म को लेकर, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं निर्देशक दिलीप कुमार। उन्होंने इससे पहले डॉक्टर जैसी बेहतरीन फिल्म डायरेक्ट कर चुकी है, तो उनकी प्रीवियस फिल्म की तरह ये फिल्म भी एक डार्क कॉमेडी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में 2 बड़ी एक्टर एक्ट्रेस ऐड हुई है। अब हम इस फिल्म में सुनील और तमन्ना भाटिया को भी एक साथ देख पाएंगे। इससे पहले मोहनलाल भी इस फिल्म में ऐड हुई है। सो फिल्म का कास्टिंग बहुत ही ह्यूज है और फिल्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं ये फिल्म कैसा होता है। ये फिल्म 14 अप्रैल 2023 रिलीज होने वाली है। आज का सेकेंड अपडेट है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सेल्फी को लेकर, जिसका ट्रेलर रिलीज डेट को लेकर। फिल्म का ट्रेलर पहले 19 जनवरी आने वाली थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से और ट्रेलर नहीं आ पाई। आप सुनने को मिल रही इस फिल्म का ट्रेलर अब 22 जनवरी आने वाली है। देखते हैं इसका ट्रेलर कैसा निकल के आती है, ओवरऑल फिल्म कैसा होता है, क्योंकि अक्षय कुमार का प्रीवियस ईयर बहुत ही खराब गई है, एक भी फिल्म हिट नहीं हुई। देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन ला पाती है। नेक्स्ट अपडेट SSMB 28 फिल्म को लेकर, जिस फिल्म को लीड में है महेश बाबू और पूजा हेगड़े। इसके सिवा श्रीलीला को भी हम सेकेंड हीरोइन के तौर पर इस फिल्म में देख पाएंगे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास। तो उस फिल्म का शूटिंग का काम अब चालू हो चुकी है, जो फिल्म बहुत दिनों से डिले हो रही थी, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए स्क्रिप्ट पे काम चल रही थी। सो अब फाइनली इस फिल्म का शूटिंग का काम चालू हो चुकी है और ये फिल्म अब जाकर 11 अगस्त 2023 रिलीज होने वाली है। इसके सिवा अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी को लेकर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन कुछ ही दिनों में इस फिल्म का भी शूटिंग का काम चालू होने वाली है, जिसका कुछ ही दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगी। इसका एक टीजर भी आ सकती है, ऐसा खबर निकल के आ रही है। देखते इस फिल्म से आने वाले टाइम पर क्या क्या इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आती है। आज का अगली अपडेट है अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भोला फिल्म को लेकर, जिसका सेकंड टीजर आने वाली है। इसका पहला टीजर बहुत ही पसंद किया था, अब इसका सेकंड टीजर आने वाली है 24 जनवरी को। इस फिल्म को अजय देवगन खुद डायरेक्ट कर रही है। देखते ये फिल्म मोबाइल कैसा निकल के आती है। ये फिल्म 2019 में आई, क्या थी फिल्म का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। आज का अगली अपडेट है थलापति 67 मूवी को लेकर, इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम कुछ ही दिनों में देख पाएंगे। इससे पहले मैं कुछ सोशल मीडिया पोर्टल पे इसका रिलीज डेट को लेकर एक अपडेट मेरे पास आई है, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। ये फिल्म दशहरा में रिलीज हो सकती है, इसका रिलीज डेट भी सुनने को मिल रही है कि 19 अक्टूबर 2023 आ सकती है। सो इसका शूटिंग का काम तो चालू है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट टाइटल या फिर ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट टीजर हम बहुत ही जल्दी देख पाएंगे। देखते ये फिल्म दशहरा पर ऑफिशियली रिलीज होती है या फिर दिवाली तक जाती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि थलापति विजय की जितने भी फिल्म दशहरा या फिर दिवाली के मौके पर रिलीज हुई वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। देखते ये फिल्म कब तक रिलीज होती है। आज का आखिरी जो अपडेट है वो है तू झूठा मैं मक्कर फिल्म को लेकर। फिल्म का लीड में है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट कर लव रंजन। सो इस फिल्म का ट्रेलर आने वाली है 23 जनवरी और उसके बाद पठान फिल्म के साथ 25 जनवरी से थिएटर पर अटैच होकर इसका ट्रेलर दिखाया जाएगा। सो पठान फिल्म को लेकर ऑलरेडी एक हाइप है और इस फिल्म का मेकर्स ने बहुत ही अच्छे डिसीजन लिया है। सो देखते हैं इस फिल्म का ट्रेलर कैसा निकल के आती है। इसका ट्रेलर 3 मिनट से भी ऊपर का होने वाली है। सो यही तक था आज का एपिसोड वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये अपडेट वीडियो, ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा। टिल द